नमस्कार द न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कमलेश्वरी साहू। तो चले बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। आईपीएल के 14वें सीजन में गुरुवार को दूसरा डबल हेडर यानी एक दिन में दो मैच खेले गए। पहले सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को 9 विकेट से शिकस्त देकर सीजन में पहली जीत दर्ज की है। इसके बाद दूसरे मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 18 रन से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज की। स्पिनर हरभजन सिंह को कोलकाता की प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिली, लेकिन मैच से पहले अजीब वाकया देखने को मिला। दरअसल चेन्नई की टीम के सुरेश रैना ने भज्जी के पैर छुए, इस दौरान दोनों की काफी मस्ती करते भी नजर आए। हालांकि आशीर्वाद देकर मैच खेलने वाले रैना ने भज्जी की टीम को ही शिकस्त दे दी। दोनों मैच में कुल 32 छक्के लगे। पहले मैच में कुल 6 छक्के पंजाब की टीम ने 2 और हैदराबाद की टीम ने 4 छक्के लगाए। इतने छक्के कोलकाता की टीम पैट कमिंग्स और आंद्रे रसेल ने अकेले ही लगा दिए। दोनों ने अपनी 50 की पारी में 6-6 छक्के जड़े। चेन्नई टीम ने 12 और कोलकाता ने 14 छक्के लगाए। खबरों में फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आगे की अपडेट्स के लिए बने रहिए द न्यूज़ के साथ। नमस्कार।